स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरजादा में मेरी आज की मेहमान है हिरामानी। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं चाहूंगी कि आप भी उनको उसी तरह डिस्कवर करें जैसे आज मैं उन्हें डिस्कवर करूंगी। आइए मिलते हैं हिरामानी से। हिरा, थैंक यू सो मच, तुमने वक्त निकाला और आई। नहीं, डेफिनेटली क्यों नहीं आना था, आपने बुलाया था तो मुझे ज़रूर आना था। आपके तो मैं फ़ैन हूँ बहुत अरसे से। मैं सोच रही थी शुरू से कि ये हिरा ने मानी का नाम क्यों आगे ऐड किया, सरनेम साकिब क्यों नहीं, अपना नाम क्यों नहीं रखा, हिरा मानी क्यों किया? पता नहीं, जैसे मानी से मेरी पहचान है तो मुझे लगता है कि बस। और वो तो सलमान है, वो तो मानी है। हाँ तो मुझे पेट नेम। हाँ, लेकिन मैं उसको यूजुअली कभी नहीं करता कोई ऐसे, है ना। So, ये हिरा मानी प्रोफेशनल नाम है, शो बिजनेस का। हाँ, मैं ड्रामों में भी एंड में हिरा मानी लिखवाती हूँ। अच्छा, हिरा मानी। तो ये कब सोचा था? ये खुद ही हुआ है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप एंड क्रेडिट्स में क्या बोलते हैं, हिरा मानी। मुझे होता है कि बस सलमान, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ सलमान कौन है, मैं तो मानी को जानती हूँ, तो मुझे मानी से प्यार है, तो मुझे दिल करता था कि मेरा नाम हिरा मानी ही हो। हिरा बहुत प्यार है, बहुत बहुत। सीरियसली क्यों क्यों है इतना प्यार? पता नहीं, बहुत प्यारा इंसान है। मुझे एक आम सी मैं लड़की थी समीना, मैं कुछ भी नहीं थी। उसने मुझे क्या बना दिया, उसने मुझे हिरा मानी बना दिया कि लोग मुझे पलट के देखते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, मुझसे आके ऑटोग्राफ लेते हैं। उसने मुझे तमीज़ सिखाई है, मुझे सलीका सिखाया है, ज़िम्मेदारी सिखाई है। बहुत ब्यूटीफुल इंसान है मानी। मतलब मानी के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है ऑनेस्टली। इतना प्यारा आदमी है, उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, उसके अंदर कोई जेलिसी नहीं है, उसके अंदर कोई ये नहीं कि मेरा अना है, मैं बड़ा हूँ, मैं मर्द हूँ, कुछ भी नहीं। इतना सॉफ्ट, उसने मुझे बदल के रख दिया। आपको पता है मानी ने, मैं ऐसे थी, मानी ने मुझे ऐसे कर दिया। तो वो जो बबली, एक शरारती और एक फनी, हाँ वो तो मैं, नॉन सीरियस है ना, है ना, वो तो मैं हूँ। लेकिन जैसे क्या चेंज किया आपकी लाइफ में, कोई एक ऐसा इंसान आता है जो आपको बताता है कि आपके अंदर ये खूबी है? लोग आपको बताते हैं आपकी खामियाँ। मुझे बहुत लोग मिले बचपन से अब तक, आपके घर वालों के अलावा आपको कोई आपकी खामी, आपकी खूबी नहीं बताता। आम तौर पे लोगों को आपकी खामियां ज़्यादा नज़र आती हैं। यार ये तो ऐसे बोल देती है, ये तो ऐसे बात करती है, ये तो ऐसे करती है, तो पता नहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन मानी ने मुझे बताया कि हिरा तुम्हारे अंदर ना ये टैलेंट भी है। मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ, मुझे उस मानी ने बताया कि ईद में प्रॉपर ईद मनाती हूँ, फैमिली का कोई फंक्शन हो मैं खाना पकाती हूँ। उसने मुझे बताया मेरी खामियाँ, मेरी खूबियाँ, कि तुम देखो, तुम घर को जब घर में आती हो, जब तुम हीरोइन वाले कपड़े उतार के एक माँ वाली जैकेट पहनती हो, जिसमें तुम एक माँ होती हो, एक बीवी होती हो, तो तुम कितनी अलग होती हो। उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम इस फील्ड को भी लेके चल सकती हो, तुम फैमिली को भी लेके चल सकती हो, और तुम रिस्पेक्ट के साथ हर चीज़ कर सकती हो, बिलीव मी और नॉट। तो ये मानी कहाँ से मिला था? मानी कहाँ से मिला था, बहुत खूबसूरत दिन था वो, और आज भी देखे मैं चर्वे करती हूँ, जब मैं मानी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और उस टाइम पे जब वो नहीं मिला था तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि जब चीज़ मिल जाती है ऑब्वियसली मैं उसके साथ हूँ, उसको छू सकती हूँ, उसको देख सकती हूँ, उसके लिए कुक कर तो सकती। क्या चीज़ अच्छी लगी थी, कहाँ देखा था? टीवी पे। और क्या अच्छा लगा था? लग रहा था कि जैसे मेरे जैसा कोई इंसान है, जिससे ये तो मैं हूँ, ये तो मैं सुनना चाहती हूँ जो ये बोल रहा है। मानी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर आम बंदा उससे कनेक्ट कर सकता है, बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकता है। कितनी, क्या उम्र थी जब मानी से कनेक्ट हुई, जब देखा, क्या उम्र? 18 साल, 17 साल। स्टिल इन कॉलेज? हाँ, कॉलेज में थी। और चलो मानी का जिक्र हम फिर आगे करेंगे। हाँ, हाँ। पहले हम तुम्हारे बचपन की तरफ जाते हैं। ओके। कितने बहन भाई हो, कहाँ पैदा हुई, घर कैसा था? मैं कराची में पैदा हुई। अच्छा। और मेरे 4 भाई हैं माशाल्लाह। सबसे छोटी? नहीं, मैं
एक्चुअली अम्मी की स्टोरी है. बड़ी मेरी अम्मी बेचारी मासूम सी बहुत अच्छी खातून है, बड़ी ज़बरदस्त. उनसे भी बड़ी चीज़ें सीखी हैं मैंने. दो चार साल में हाँ चार बच्चे थे बेटे. हाँ पहले मेरा भाई था एक हाँ? बड़ा, फिर मैं. ओ अच्छा, ये फिर एक साल बाद एक और, फिर एक साल बाद एक और. तो बेचारी अम्मी ना ये नो, पर कभी कभी अच्छा भी होता है क्योंकि हाँ. वो सब इकट्ठे पल जाते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल, मेहनत करते हैं हाँ. सबको इकट्ठा पालने में फिर हाँ यही हाँ. हुआ है. तो मेरी दादी भी होती थी, पप्पो भी होती हाँ. थी, तो हम सब एक साथ चार बहन भाई पल गए. फिर 10 साल बाद एक छोटा भाई हुआ, शाह जमाल. सो यू आर 4 brothers and 1 sister. यस, और वो सारे मुझसे लंबे चौड़े और यू नो वो मेरे बड़े भाई लगते हैं सारे. और मेरे भाई जो हैं वो बड़े प्यारे हैं. मैंने अपने भाइयों के साथ बड़ा कुछ किया है, आप यकीन करें, क्योंकि मेरी कोई बहन थी नहीं. कज़न्स मुझे थोड़ा दूर रखती थी. रीज़न ये कि मैं थोड़ी चुलबुली थी. अच्छा ये बात, बड़ी भी थी थोड़ी मुझसे, तो मैं अपने भाइयों के साथ. और हाँ, मैं आज अगर हीरोइन हूँ ना, या मैं अपने आप में कुछ हूँ शुरू से, तो मेरा भाई है उबैद. जैसे मैं शादी में तैयार, क्या लग रही हो आज, तो दुल्हन रोएगी, तुम क्या लग रही हो, तुम क्या गाती हो, ओ माय गॉड ऐश्वर्या लग रही हो, यहाँ से थोड़ी करीना लग. उसने मुझे ना बचपन में हीरोइन बना दिया था उबैद ने. ये उबैद की गलती है जो मानी भुगत रहा है अब. हाँ बिल्कुल, ऐसी सो के उठो, एक सेकंड कैमरा लाओ. मेरे भाई मुझे ऐसे प्रिंसेस की तरह अडोर करते थे. मेरे साथ शॉपिंग्स पे जाना, मेरे साथ मैं उनकी मेकअप्स कर रही हूँ, मैं उनको अपना गरारा पहना के तो पूरे अपार्टमेंट में लेके घूमती थी. बन लग रही है. हाँ, क्योंकि बहन तो थी नहीं ना, तो उबैद था उसका. मैं दोपहर में, उबैद बड़ा है या छोटा है? उबैद में से एक साल छोटा है. अच्छा, छोटा वाला भाई. हाँ, स्कूल से आता हाँ, छोटे वाले भाइयों के साथ कर सकती है हाँ, ये सब हाँ, हाँ. और मैं उसका मेकअप करती थी, डांस करते थे. वो बहुत ही कोई मेरी ना मेरी ऐसे से लाइफ थी. ऐसे से फलाना शादी में जाना है, हर शादी में. मुझे अगर आप भी अपनी किसी कज़न की शादी का कार्ड देंगी ना, मैं फिल्म फेयर अवार्ड छोड़ के, फिल्म फेयर अवार्ड इंशाल्लाह वो भी जाऊँगी मैं मैं कोई प्रीमियर छोड़ के मैं शादी प्रेफर करती हूँ. मुझे होता है शादी खूबसूरत चीज़ है ना, कितनी खूबसूरत चीज़ है शादी. गुड़ियों से खेला? मैंने गुड़ियों से नहीं खेला, इतना नहीं खेला मैंने. अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरे शरारतें की, मेरे पास साइकिलिंग की, साइकिलिंग की है मेरे पास. वो दरख्तों पे चढ़ी? दरख्तों पे बहुत चढ़ी हूँ मैं. हजार पास क्या था? मेरे पास कुकिंग सेट था. मुझे कुकिंग का, किचन का बहुत शौक अच्छा. था. गुड़ियों से ज़्यादा घर का, किचन का. यहाँ मेरी गाड़ी पार्क होगी. मुझे आज तक याद है, मेरे पप्पा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे लिए पूरा होम लेकर आए थे. वो अब तक वो हाउस मेरे पास रखा है, और वो हाउस कोई नहीं छू सकता. मुजम्मिल भी मांगता है, इब्राहिम भी मांगता है, लेकिन वो अम्मी के पास वैसे ही रखा हुआ है ऊपर के हीरा का है. अजीब सी बात है गुड़ियों से. कितना बड़ा घर था? अंदर बैठ, अंदर जा सकती थी खेलने या नहीं? सिर्फ चीजें? नहीं, चीजें थी, चीजें जा सकती. डेकोरेशन की चीजें थी, पार्किंग की गाड़ी थी. वही हाउस ड्रीम में था. और वो लगता है जैसे ख्वाब सारे सच कर दिए मेरे मानी ने. जो जो मैंने ख्वाब देखे थे ना, पता नहीं आपसे बैठ के क्यों मैं मानी की इतनी बातें कर रही हूँ. नहीं करो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे मुझे दिल कर रहा है कि मैं बताऊँ. मैंने जो जो ड्रीम कभी देखा था या कभी सोचा भी था ना, वो उस बंदे ने ऐसी छड़ी घुमाई है, वो चीज़ें पूरी हो गई. तो वही ड्रीम था मेरे, वही घर होगा कि मैं गाड़ी अंदर पार्क करूँगी, मेरा रूम होगा, यू नो इस तरह का. मानी ने मुझे सब कुछ दिया है. मैंने रात को छोटी छोटी चुटियाँ बनाकर, क्योंकि उस वक्त ताल मूवी आई हुई थी आई गेस, और मुझे ऐश्वर्या बन के जाना था तो मैंने छोटी छोटी चुटियाँ बना के ना मैं सो गई थी. दूसरे दिन मेरी एक बड़ी खूबसूरत कमीज सलवार था, फुल स्लीव्स, थोड़ा सा आगे से ऐसा गला, थोड़ी फिटेड चूड़ीदार, कि बस मानी मुझे देख ले, ओके बस यही लड़की है जिससे मैंने शादी करनी है. हाँ, कहाँ मिले थे? मानी देखा तो टीवी पे था, मगर मिले कहाँ थे? अल्लाह देखे करता है ये. मानी मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था. अच्छा. और अजीब सी बात है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे. ओह अच्छा. हाँ, और मैं अपनी फ्रेंड का प्रोजेक्ट्स बनाती थी, और मैं उसके घर पर प्रोजेक्ट बना रही थी. तो सारी रात भी इससे बात कर रही थी. तो मैं उसका, मैं अपने काम में लगी हुई थी, मैं थोड़ी सी अच्छी उन चीज़ों में. तो मैं यहाँ पर, अच्छा बाय द वे मेरी मंगनी भी हुई हुई थी, मेरी शादी भी होने वाली थी, आपको पता है.
और मैंने कहा 6 महीने रह गए तो शादी में, और मैं अपने मंगेतर से नॉर्मल, वो थोड़ा बैंकर है तो वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप इंसान है, बिल्कुल मेरी रेंज से बाहर। अच्छा, क्योंकि मैं तो बड़ी इस तरह की हीरोइन टाइप ना, मुझे तो कोई हीरो चाहिए ना, सिक्स पैक्स वाला। खैर, तो ये हुआ कि मैंने उससे बात बात करके बंद करके मैं अपना काम करना शुरू की। तो मेरी दोस्त मुसल से बातें करिए, तो मैंने नेक्स्ट डे पूछा कि तुम सारी रात किससे बात करी थी, तो उसने कहा मैं मानी से बात करी थी। तो मेरे तो एंटेनास ऐसे खड़े हो गए ना, मैंने कहा अच्छा। फिर नेक्स्ट डे मैंने बहुत बुरी हरकत की, आई एम सो सॉरी, मैंने उसके फ़ोन से मानी का नंबर निकाल लिया था। और जब मैंने उसके फ़ोन से मानी का नंबर निकाला तो फिर मैंने मानी को कॉल की मरियम खान बन के, और मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे तुमसे मिलना है। तो इस तरह फिर मैंने अपनी उस फ्रेंड को कहा कि देखो मेरी तो शादी होने वाली है 6 महीने बाद, तुम एक काम करो मुझे मानी से मिलवा दो। और एक तरफ मेरी मानी से फ़ोन पे बातें चल रही हैं और एक तरफ मैं उससे एस फैन मिलने गई हूँ, दिख रही हूँ। फिर जब मैं मानी के साथ एस फैन उसके साथ बैठी ना, मैंने बड़ी उस दिन समीना मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, उस वक्त कर्ल्स और पर्म्स करने वाली कोई चीज़ नहीं थी, मैंने रात को छोटी छोटी चुटियाँ बना कर, क्योंकि उस वक्त ताल मूवी आई हुई थी आई गेस, और मुझे ऐश्वर्या बन के जाना था तो मैंने छोटी छोटी चुटियाँ बना के ना मैं सो गई थी। दूसरे दिन मेरी एक बड़ी खूबसूरत कमीज सलवार था, फुल स्लीव्स, थोड़ा सा आगे से ऐसा गला, थोड़ी फिटेड चूड़ीदार, कि बस मानी मुझे देख ले, ओके बस यही लड़की है जिससे मैंने शादी करनी है, यू नो। मैं ऐसे, अच्छा उसने गाड़ी भेजी मुझे लेने के लिए, तो मैं जब उसकी गाड़ी में बैठी, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसने भेजी होगी गाड़ी, तो हम भी उसी गाड़ी, मैं भी उसी गाड़ी में गई, तो यहाँ मानी की टी शर्ट पड़ी हुई, यहाँ उसका जेल पड़ा हुआ, यहाँ उसके जूते पड़े हुए। मैंने कहा यार मैं मानी की गाड़ी में फाइनली बैठ गई हूँ, और मुझे यकीन ही ना आया ना। तो अब मैं अपनी फ्रेंड को भी नहीं बता सकती कि यू नो मैं तो उससे बात कर रही हूँ, मैं तो बड़ी ऐसे बनी हुई थी यूँ करके। दो तीन दफ़ा मानी मेरे एरिया में आए थे ना, वो स्ट्रीट शोज़ करता था, तो जैसे मेरे भाइयों को पता है मैं मानी की फैन थी तो मुझे बताते थे, तो मैं नीचे दो दफ़ा गई तो उस वक्त तक मानी जा चुका होता था। तो फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद कि यार मैं मानी से कभी मिल लूँ, मानी से मैं इतनी ईजी मेरा कनेक्शन हो जाएगा, ये मुझे नहीं समझ आई। खैर फिर हम जब मानी की तरफ वहाँ पहुँचे तो मैं खड़ी हुई थी ऐसे ना, फुल गले में मेरा दुपट्टा था, बाल मेरे ऐसे कर्ल हुए हुए थे, और एक लड़का आया और जंप नहीं लगाते थे सीढ़ियाँ, एक तो उतर के आते हैं, वो ऐसे जंप लगा के आया, हाँ भाई क्या हो तुम लोग आ गए हो, तो ऐसे नहीं जैसे कोई सब कुछ स्लो हो गया। फिर मैंने देखा, मैं जब स्ट्रीट्स देखती थी या सबसेटे में, तो ये बहुत काला सा गंदा सा ऐसा सा होता था, और मुझे उस मानी से प्यार था जो डार्क सा था, जो धूपों में यू नो जिसने रंग जलाया हुआ था। लेकिन उस वक्त जब मानी मेरे सामने आया तो वो शायद वो थोड़े पैसे आ जाते हैं तो आप थोड़े बेहतर हो जाते हैं, तो मैंने कहा मानी वो पैसों की ग्लो थी तुम्हारे अंदर। तो मैं देखा स्पाइक्स बने हुए, चमकती हुई शक्ल और ना ऐसे आर्म्स बने हुए, मैं तो फ्लैट। फिर मैंने उसको दो तीन, अच्छा फिर क्या हुआ, मैं और मानी निकल, उसने कहा आप कुछ बोलती नहीं है, मैं डर गई, मैंने कहा अगर मैं बोलूँगी तो ये तो पहचान लेगा कि तो फ़ोन वाली मरियम है, क्योंकि तेज़ बहुत है मानी, तो मैं चुप। उसने कहा आप गूंगी हैं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक सेकेंड आई, मैं कॉल करके मैंने कहा मंगेतर का फ़ोन आया हुआ करके मैं बाहर चली गई। फिर मैं आई तो मानी का स्वेटर था ऐसे, पता नहीं उसने ऐसे हुआ था उसका स्वेटर गिर गया ना, तो मैंने ऐसे स्वेटर उसको उठा के दिया और मैंने उसको थोड़ा देखा कि शायद ये मुझे पसंद कर ले या मैं पहचान ले, मैं कुछ चाह रही थी कुछ हो जाए, लेकिन वो मेरी दोस्त भी थी साथ, बहुत ही कोई अजीब सीन था। खैर हम घर आ गए, जब हम घर आ गए तो मैंने वो सिम लगाई जिससे मैं मानी से बात करती हूँ, वो सिम किसी के पास नहीं थी, तो ना मेरे भाई इतने सख्त, उनको ना पता, उनको लगता था मैं मंगेतर से बातें कर रही हूँ लेकिन मैं बातें मानी से कर रही होती थी। तो मानी ने कहा मुझे मरियम तुम्हें पता है आज एक लड़की आई थी मिलने के लिए, कितनी बुरी थी, इतनी अजीब सी थी, अपने अंदर कोई हीरोइन समझ रही थी अपने आप को, लेकिन वो मेरी राइटर को बहुत पसंद आ गई है। जब हम मानी से मिलने गए थे ना तो वहाँ पे एक छोटा सा काला सा लड़का हमें लेने आया था, तो मानी ने कहा वो बोनी है और वो बोनी को पसंद आ गई और मैं उसका रिश्ता ढूंढने जा रहा हूँ उसका घर का पता निकाल के। तो मैं डर गई, मैंने कहा यार तो टी वी में होता है, कहीं वाकई इसने मेरा पता लगा लिया, यहाँ तो मेरी मंगेतर से मेरी 6 महीने बाद शादी होने वाली है, मेरे घर वाले तो मुझे मार देंगे, ये तो ये क्या हुआ। मैंने कहा मानी वो मैं ही थी,
तुम्हारी ने कहा मुझे पता था तुम। फिर हमारी बात हुई, यहाँ मैंने अपने मंगेतर को चीट किया और मैं उससे थोड़ी सी बात करके फ़ोन बंद कर देती थी कि मुझे नींद आ रही है, और यहाँ मैं मानी से लंबी रात सारी रात बातें, और फिर मानी गायब हो गया मेरी लाइफ से 4 महीने के लिए। और मैंने और मुझे लग रहा था ये मुझसे शादी करेगा या हम शादी कर लेंगे, लेकिन वो गायब हो गया। मैंने एक दिन कॉल की तो उसके भाई ने फ़ोन उठाया, उसके भाई ने कहा आप मुझसे बात कर लेना, मानी तो है नहीं। तो मेरा दिल ऐसा हुआ, मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे हुआ शायद जो मैं कर रही हूँ ये मेरे साथ गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात कारमा हो गया। फिर मैंने असाफ को सब बता दिया, अपने मंगेतर को। मैंने कहा ये मैंने किया है और इतने 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 मंथ्स मैं मानी के साथ थी, अब आपको मुझसे शादी करनी तो करें, नहीं करनी तो मैं भी अपने घर में बता देती हूँ और आप भी बता दें। मैंने क्लियर कट बात कर दी। अब मैंने क्या किया, इन द मीन टाइम मैं बड़ी सैड हो गई, मेरे घर वाले परेशान हो गए कि यार ये तो बिल्कुल ही, उस टाइम पे वो जब भी मैं टाई हुई थी वो हर फिल्म से तो मेरा कनेक्शन हो जाता है। अब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी अब्बू के बैंक में, अब वहाँ मैं अजीब चुटिया बना के तो कपड़े पहन के और ऐसे जाके बैठ जाती थी सुन, और एक गाना चलता रहता था मेरे हेडफोन्स पे, आओगे जब तुम ओ साजना, सुना है गाना आपने? तो अभी फिल्म का तो आपको पता नहीं होगा, ये इस फिल्म के सीन था कि उसका जो प्यार होता है ना, मैंने देखी है दो दफा बस हाँ। तो मैं उसी फेज में थी कि अंशुमन हाँ। चला गया और ये रह गया मेरे साथ और साफ चश्मे वाला जो, लेकिन फिर आगे जाके चेंज हो गई कहानी मेरी। फिर मानी का अचानक से फोन आया मेरे पर, मैं बड़ी डल डाउन खत्म मेरी लाइफ। सामने एक मेरा अकाउंटेंट होता था सारे, अब उसका भी कोई कनेक्शन हो गया था मुझसे, उसको मैं पसंद आ गई थी क्या था, अब मैं तो कुछ करती नहीं थी, मैं तो एक अलग जोन में, वो मेरे सारे काम कर रहा था। अलग जोन में होते हैं ना हाँ। जो लोग ऐसे होते हैं ना जो कहीं और रहते हैं किसी क्लाउड 9 पे या 8 हाँ। पे या 10 पे रहते हैं ना हाँ। जो लोग उनको लोग सारे लोग पसंद करने लगते हैं हाँ ना? क्योंकि एक ऑरा क्रिएट हो जाता है हाँ। कि ये कहीं और ही है ना ऐसे हाँ, मैं कहीं और ही थी हेडफोन लगा के। वो मेरे सारे बेचारे काम कर देता था, उसको लगता था कि मैं उससे फंस गई हूँ और शायद मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन मैं तो कहीं और थी। अच्छा, उससे मैं हंस गई। मंगेतर का क्या बना इस दौरान जब उसको सब कुछ बता दिया? कुछ नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आता, लोग मुझे बहुत जल्दी माफ कर देते, शायद मैं सॉरी कर लेती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ हाँ ये मुझसे हुआ है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मैं कहती हूँ ये मुझ में ही प्रॉब्लम है, मानी ये मैंने किया था तुमसे पहले ना, मेरा ये अफेयर था ठीक है, ये था उसका मैसेज आया, अब ये सीन है था ओके बता दिया ठीक है माफ कर दिया, यू नो सबका पास्ट होता है। तो कितनी दफा मोहब्बत हुई? कितनी दफा मोहब्बत हुई? पहली दफा कब हुई थी? मोहब्बत तो बस मानी से हुई थी एक ही दफा। इन्फैटुएशन जाहिर सी बात है, मुझे भी नहीं होती थी, लोगों को पसंद आ जाती थी मैं। और मुझे लगता है कि जब आप ऐसी लड़की जो यू नो शादी में डांस कर रही है, जिसके अच्छे कपड़े हैं, जो बड़ी ब्लंट है, वो लड़कों को बड़ी पसंद आती है, लेकिन समहाउ लड़के उसको बदल के अपनी बीवी बनाने में एक्सेप्ट करते हैं। मेरा पॉइंट समझिए, इसको सादा कर दो, जो कुछ नहीं हाँ। सो ये नहीं पहनो हाँ। जो चीज अट्रैक्ट करती है उसे उसी को बदलना चाहते हैं हाँ। लेकिन मानी वो इंसान था कि हाँ। उसने मेरी उन चीजों को बदला नहीं, उसने कहा नहीं, मेरी खालाएं मेरी फुफियां सब मुझसे प्यार बहुत करती थी, लेकिन मेरी दो एंगेजमेंट टूटने पे वो परेशान थी बकायदा। दो एंगेजमेंट टूटी थी? अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है। जब मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स की और फिज़िक्स की बुक्स देखी तो मुझे लगा कि इससे बेहतर है मैं इश्क कर लूँ और शादी कर लूँ। मैं डर गई थी किताबों से मुझे किताबों से डर लग गया अच्छा। था कि इतनी मोटी मोटी मैं नहीं पढ़ सकती, मैं वो बंदी नहीं हूँ हाँ कि मैं कुछ डॉक्टर या साइंटिस्ट। मैंने अम्मी को बिठाया, मैंने कहा अम्मी आई एम सॉरी मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मैं वो जो ताल फिल्म में ऐश्वर्या है ना, और वो जो हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या है, और ये जो है ना मैं ये हूँ, आप एक्सेप्ट कर लें। तो ये बचपन से भी ऐसी थी हाँ, है? हाँ।
कोई चीज, कोई गाना सुना तो उसके पीछे उसी के अंदर चले गए। हाँ, कोई फिल्म देखी तो उसी के अंदर गुम हो गए। उसी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, गुम तो छोड़े, वैसे कपड़े। मेरे टेलर को फोन जाता था कि वो एक, मैं हूँ एक करीना वाला सेम ड्रेस बना दो, मैंने अपनी कजिन की शादी में पहना। अच्छा। तो मेरा टेलर भी बड़ा अलर्ट, आज वो अच्छा डिजाइनर बन चुका है। तो मैं ना, मैंने कहा कि पढ़ाई से बेहतर है जो मैं हूँ, जो मैं चाहती हूँ, शादी करके जिंदगी गुजारना है, एक अच्छी बीवी बन के। हाँ, मेरा जीरो एम था। हाँ, वो जो गुड़िया का घर है उसको सजा, बस वो घर से मेरी जिंदगी रुक थी। हाँ, अटैच, और पूरे घर में फिर नाचती फिर। हाँ, नाचती फिर। तो वो मानी ने जो, फिर मैंने अम्मी को, मैंने कहा अम्मी आप, मैं डॉक्टर नहीं, मेरी फ्रेंड्स सारी डॉक्टर्स हैं। मेरा अच्छा, मेरा ग्रुप जितना भी था सब कहता था हीरा अगर तुम ये सोचना बंद कर दो ना कि चांदनी फिल्म की श्रीदेवी ने मुझे असर में, बेसिकली मेरी अम्मी बहुत फिल्में देखती थी, गाने सुनती थी, जैसे उनका एक टेप रिकॉर्डर था और वो कैसेट लगा कर तो सुबह सारे काम होते थे, VCR लगा कर। वो बस अम्मी ने ना मुझे, क्योंकि अम्मी और अबू का भी अफेयर था, उनकी भी अफेयर वाली शादी हुई थी। अच्छा। तो अम्मी ने मुझे, so it's a family of romantics. हाँ, सारे रोमांटिक हाँ, सारे बादलों को देख रहे हैं, बिल्कुल कहीं शीशा नजर आया, चांद नजर आ गया तो चांद के सामने खड़े। मेरी अम्मी अब बिल्कुल ऐसे ही हैं, लाइट गई हुई है, हम छत पे बैठे रोमांटिक गाने गा रहे हैं, अम्मी ने कंधे पे सर रख के। हाँ, और लड़ाई भी होती तो ऐसी होती थी कि आपकी सोच है। सो एक रोमांटिक कपल और एक बहन, तो ये बाकी चार भाइयों का क्या रोमांटिक कपल तो नहीं ना, रोमांटिक तो सिर्फ मैं हूँ, मानी बिल्कुल नहीं। नो, अब्बू और अम्मी तो रोमांटिक कपल थे ना, अम्मी अब्बू है ना, और एक बेटी भी एक रोमांटिक आ गई। तो वो जो चार भाई थे उनका क्या बना? वो चार भाइयों को मैंने बहुत तंग किया, मैंने बहुत तंग किया उन लोगों के अंदर जो पेशेंस, क्योंकि भाई कैसे होते हैं ना कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, मैं वहां नहीं खड़े होना। हां, मैं अगर पर्दे भी खोल रही हूं तो मैं ऐसे खोलती थी। तो मेरे भाई कहते थे हीरा हम ऐसे एरिया में रहते हैं, तुम ना जरा चादर लेके नीचे उतर। उसको बिठाया, मैंने उसको अपने हाथ से खाना खिलाया, वो बहुत नींद में था। आई डोंट नो, उसको कोई ड्रग्स दिया हुआ था या क्या, मुझे नहीं पता। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने उसको खाना खिलाया, फिर उस दिन मैंने कहा यार हम कितने दुनियावी हो गए हैं,